हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको LLB प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर विद आंसर सहित बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार का उत्तर लिखना है। आप अगर इस प्रकार से अपने एग्जाम में प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों लॉ ऑफ क्राइम। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपके पेपर में दोस्तों 4 क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे और आपको जिस प्रकार की मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको आंसर अपने एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में पेपर 60 नंबर का आता है, जिसमें आपको पास होने के लिए केवल 21 नंबर चाहिए और 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में तैयारी और प्रयत्न में अंतर कीजिए। किन परिस्थितियों में केवल अपराध की तैयारी दंडनीय है दोस्तों? इसके प्रश्न के उत्तर में आपको अपराध करने के 4 चरण होते हैं उसके बारे में लिख देना था। चारों चरण, पहला चरण है इसका आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा चरण है अपराध का पूर्ण होना। और इसके बाद आपको तैयारी और प्रयत्न में अंतर लिखना था। और इसमें 2 केस भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उन केस लॉ को भी आपको लिख देना था। पहला केस है इसमें अभयानंद मिश्र बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 1951 का, और दूसरा केस है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद एक्टूब AIR 1980 का। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको किन परिस्थितियों में केवल अपराध की तैयारी दंडनीय है दोस्तों? इसके भी 4 चरण होते हैं। पहला है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, इसे IPC की धारा 121 में बताया गया है। और दूसरा है भारत के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी करना, धारा 125 और 126 में इस बात को बताया गया है। इसके बाद तीसरा है दोस्तों जाली सिक्के बनाने की तैयारी, इसे IPC के सेक्शन 231 में परिभाषित किया गया है, जाली सिक्के बनाने की तैयारी। इसके बाद चौथा है दोस्तों डकैती की तैयारी, इसे IPC की धारा 399 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी करता है तो उसे 10 साल तक के लिए कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। इस प्रश्न के उत्तर में आपको 2 केस लॉ और किन परिस्थितियों में केवल अपराध की तैयारी दंडनीय होती है और तैयारी और प्रयत्न में अंतर लिख देने थे, आपको पूरे नंबर दिए जाते। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में दुराशय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों में कहां तक लागू होता है, अपने उत्तर के समर्थन में दृष्टांत दीजिए दोस्तों। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, पहला आशय, दूसरा तैयारी और तीसरा प्रयत्न और चौथा अपराध का पूर्ण होना। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें अपराध भावना या दुराशय क्या है इसके बारे में लिखना था। इसके बाद आपको इसमें अपराध भावना और दुराशय की उत्पत्ति कहां से हुई है उसके बारे में भी लिखना था। और दुराशय के दोस्तों 4 आवश्यक तत्व है, पहला है इसमें अंग्रेजी विधि में अपराध भावना का लागू होना। इसमें 2 केस है काफी महत्वपूर्ण, पहला केस है आर बनाम प्रिंस
और दूसरा केस है आर बनाम कार्लसन, और इसका दूसरा तथ्य है अपराध भावना के सिद्धांत का भारतीय दंड संहिता में प्रयोग। इसमें भी एक केस लिखना था आपको, महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर जॉर्ज। और तीसरा है अपराध भावना के सिद्धांत की अपवाद। चौथा महत्वपूर्ण है ऐसे मामले जिनका स्वरूप तो आपराधिक हो परंतु वे वास्तव में दीवानी विधि से संबंधित हो। दोस्तों इस प्रकार आपको इस प्रश्न के उत्तर में इन सब चीजों को लिखना था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपराधिक दायित्व के बचाव में आवश्यकता के तर्क की मान्यता को समझाइए। आपराधिक दायित्व यानी कि दोस्तों इसमें आपको आपराधिक दायित्व के बारे में लिखना था, यानी कि मेंस रिया। सबसे पहले आपको इसमें इंटेंशन आशय के बारे में बताना था, दूसरा नॉलेज के बारे में यानी कि ज्ञान, और तीसरा निग्लिजेंस यानी कि लापरवाही। निग्लिजेंस दोस्तों मान कर चलिए कोई डॉक्टर है, अपना काम कर रहा है लेकिन वह लापरवाही पूर्वक करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपको लिखना था इसकी अपवाद भी है, अपराध भावना यानी कि आपराधिक दायित्व के कुछ अपवाद है, कठोर दायित्व का सिद्धांत, दूसरा सार्वजनिक उपद्रव, तीसरा है इसका कानून की अज्ञानता, और चौथा है मेंस रिया साबित करना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था चौथा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की परिधि तथा विस्तार बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको धारा 96 से लेकर 106 तक लिखना था, और इसमें दो केस काफी महत्वपूर्ण हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने थे। पहला केस है अमजद खान बनाम राज्य AIR 1952 का। इस मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रतिरक्षा के उपायों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक सीमा तक नहीं होना चाहिए। और दूसरा केस है इसमें रोज बनाम आर 1884 का यह मामला है। इस मामले में एक लड़के को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका जो पिता है उसकी माँ का गला काट रहा है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई बात भी नहीं थी। लड़के ने पिता को गोली मार दी, उसकी मौत हो गई, पिता की मौत हो गई। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यदि लड़के ने सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया था कि पिता के इस कार्य से उसकी माँ की मौत हो सकती है तो यह कार्य क्षम्य योग्य है। दोस्तों इसमें दो केस काफी महत्वपूर्ण हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने थे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में दुष्प्रेरक कौन है, उत्तर दृष्टांतों सहित उत्तर दीजिए। दुष्प्रेरक को दोस्तों धारा 107 में दुष्प्रेरण शब्द को परिभाषित किया गया है, और धारा 108 में दुष्प्रेरक शब्द को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण के तीन आवश्यक तत्व है, पहला है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, दूसरा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, और तीसरा है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। इसमें एक केस भी आपको लिखना था, मोहित पांडे का मामला था इसमें 1871 का। इस मामले में एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा था कि यदि मरते समय राम राम कहे तो वह सती हो जाएगी। वह महिला की चिता तक गया, वह व्यक्ति महिला की चिता तक गया और उसने राम राम का उच्चारण किया, चिता में आग लगा दी और वह जल मरी, यानी कि जल के मर गई वह महिला। यह धारणा किया गया कि अभियुक्त आत्महत्या के दुष्प्रेरणा का दोषी था। दोस्तों इस केस को और दुष्प्रेरणा के तीन आवश्यक तत्वों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में छठवां सदोष मानववध कब हत्या होता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको सबसे पहले दोस्तों लिखना था सदोष मानववध हत्या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों
हत्या होता है, नहीं होना चाहिए था, जो सही है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, जो आपको सुधार लेना है। सदोष मानव वध कब हत्या नहीं है, इसमें दोस्तों इसकी अपवाद है, 5 अपवाद है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, इसमें एक केस है कि एम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 1962 का। इस मामले में अपने दोस्त के साथ अपनी पत्नी द्वारा प्रेम संबंध स्वीकार कर लिए जाने के बाद योजनाबद्ध ढंग से अपने दोस्त की मृत्यु कर दी। अचानक प्रकोपन का तर्क दिए जाने पर न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया और उसे हत्या का दोषी ठहराया। इसके बाद इसका दूसरा अपवाद है दोस्तों, व्यक्तिगत प्रति रक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। और तीसरा है लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण। इसके बाद चौथा है आकर्षक लड़ाई यानी कि सडन फाइट। इसमें एक केस भी है दोस्तों, चौथे में राजेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य AIR 2000 का यह केस है। पांचवा है सहमति से की गई मृत्यु, इसमें भी दोस्तों आपको एक केस लिखना था, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य AIR 1965। इस केस में अभी निर्धारित यानी कि कहा गया अभियुक्त था एक जो 10वीं कक्षा का छात्र था, वह 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हो जाता है, हताश यानी कि हताश होकर वह अपनी पढ़ी लिखी पत्नी से आत्महत्या करने की बात कहता है। तो पत्नी कहती है पहले मेरी हत्या कर दो। समझौते के अनुसार अभियुक्त ने पत्नी की हत्या कर दी, परंतु स्वयं की हत्या करने से पहले उसे पकड़ लिया गया, यानी कि जब वह खुद की हत्या करने वाला था तो पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। न्यायालय ने उसे सदोष मानव वध का दोषी ठहराया, ना कि हत्या का। न्यायालय ने इस व्यक्ति को सदोष मानव वध का दोषी ठहराया, ना कि हत्या का। दोस्तों सदोष मानव वध के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है, मृतक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के लिए स्वयं सहमति दी हो, पहला। दूसरा है सहमति देने वाला व्यक्ति है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है सहमति स्वतंत्र हो, अर्थात कपट या अनुचित प्रवाह द्वारा ना प्राप्त की गई हो। इसका मतलब यह है कि सहमति जो दी जाती हो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में आकर ना दी गई हो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है सातवां, व्यपहरण एवं अपहरण के अपराधों की व्याख्या करते हुए दोनों में अंतर कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में दोस्तों आपको सबसे पहले व्यपहरण के बारे में लिखना था, जिसे IPC के सेक्शन 359 में परिभाषित किया गया है और धारा 360 में भारत में से व्यपहरण के बारे में बताया गया है और धारा 361 में विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। इसमें एक केस भी है दोस्तों, जो आपको धारा 361 में लिखना था, चुंडा मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2012 का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भागी हुई पत्नी को वापस वैवाहिक घर में लाना व्यपहरण नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें लिखना था अपहरण के बारे में, इसे IPC के सेक्शन 362 में परिभाषित किया गया है अपहरण को। इसमें एक केस भी है हरिराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इन 2 केस लॉ को आपको इस क्वेश्चन में लिखना था दोस्तों, इस बार आपके पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, उद्यापन के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, कब उद्यापन लूट हो जाता है। उद्यापन को IPC के सेक्शन 383 में परिभाषित किया गया है। इसके उद्यापन के चार आवश्यक तत्व होते हैं,
पहला है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, दूसरा है क्षति का भय उस व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लिए होना, अर्थात दूसरा कहता है क्षति का जो भय है उस व्यक्ति को या तो स्वयं होगा या किसी अन्य व्यक्ति को होना चाहिए, और तीसरा है ऐसा भय धमकी को बुरे इरादे से दिया जाना चाहिए, और चौथा है भय में डालकर संपत्ति या ऐसा दस्तावेज लेना जिसका मूल्य प्राप्त हो सकता है। इसमें एक केस लॉ भी है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था। चंद्रकला वर्सेस रामकिशन AIR 1985। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन के आंसर में दोस्तों लिखना था कब उद्यापन लूट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, नौवां संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास भंग में अंतर कीजिए। दोस्तों नौवां क्वेश्चन में आपराधिक दुर्विनियोग को IPC के सेक्शन 403 में परिभाषित किया गया है, जो कहता है बेईमानी का यानी कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना। और इसमें और भी लिखना था आपको आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग को IPC के सेक्शन 405 में परिभाषित किया गया है। इन दोनों में आपको नौवें क्वेश्चन में अंतर लिखना था। इसके बाद दोस्तों दसवां क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, दृष्टि के अपराध के मुख्य तत्व बताइए। काने स्वेच्छा से माँ की सोने की अंगूठी नदी में फेंक दी, कारण सहित बताइए कौन सा अपराध घटित हुआ है। दोस्तों इसमें दृष्टि का अपराध घटित होता है। दृष्टि को IPC के सेक्शन 425 में परिभाषित किया गया है, और धारा 426 में दृष्टि का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो दंड के बारे में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक का कठिन कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार के 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले एग्जाम में इन 10 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं, उसी प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिखना, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।